हेलो गाइस, दिस इज कुणाल। वेलकम बैक टू माय चैनल कोड विद कुणाल 404। सो गाइस, जैसे कि आप जानते हो कि हमने पिछले वीडियो में सिंटैक्स पढ़ा था, एक बेसिक सिंटैक्स क्या होता है, और हम इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं कि वेरिएबल्स क्या होते हैं और कुछ इसका बेसिक कॉन्सेप्ट सीखेंगे गाइस। तो फटाफट से गाइस, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलते हैं गाइस, सबसे पहले हम देखते हैं कि जैसा कि आपने सिंपली पढ़ा होगा कि जावा वेरिएबल्स क्या होते हैं। जावा वेरिएबल्स कुछ नहीं होते, सिंपली एक एज अ कंटेनर। अगर आप कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हो तो उसकी एक लोकेशन बन जाती है पीछे जाके, और वहाँ पे उसकी वैल्यू स्टोर होती है। एक एज अ नेम्ड स्टोरेज लोकेशन प्रोवाइड करता है वेरिएबल, जो एक वैल्यू को होल्ड करता है। मान लें मैंने कोई एक वेरिएबल बनाया, जैसे इंट नम इज इक्वल टू 187। अब ये क्या है कि ये तो हमारा डेटा टाइप है और ये हमारा वेरिएबल नेम है, और यहाँ एक वैल्यू स्टोर हो रही है 187। अब जो नम है उसकी एक लोकेशन बन जाएगी जहाँ पे ये वैल्यू स्टोर हो जाएगी। तो वेरिएबल्स कुछ इस तरह से काम करता है। अब डेटा टाइप्स क्या होते हैं वो हम आने वाली वीडियो में पढ़ेंगे गाइस। सिंपली आप अभी इतना समझ लो कि इसका जो डिक्लेरेशन होता है वेरिएबल का, कुछ इस तरह से होता है। इनिशियलाइजेशन जिसे बोलते हैं, आपको डेटा टाइप का नाम लिखना है। अगर आप स्ट्रिंग वैल्यू स्टोर कराना चाहते हो तो आपको ये बताना पड़ेगा, क्योंकि ये डायनेमिक नहीं है। आप जानते हो कि जावा एक स्टैटिक लैंग्वेज है, डायनेमिक लैंग्वेज नहीं है। कुछ डायनेमिक कुछ हैं इसके जो प्री डिफाइंड पैकेजेस है वो डायनेमिक वर्क करते हैं, लेकिन एक्चुअली एज ए स्टैटिक है ज़्यादातर। ठीक है, क्योंकि ये स्टैटिक है तो हमें यहाँ पे डेटा टाइप देना पड़ेगा। और आप वेरिएबल नेम दे जाना चाहते हो, जैसे कार, और कार का नेम ओडी मैं लिख देता हूँ। तो ये हमारा कुछ इस तरह का हो गया है। ठीक है, ये हमारा डेटा टाइप है, ये वेरिएबल नेम है। कुछ इस तरह से हमारा बेसिक सिंटैक्स अभी समझो कि वेरिएबल कुछ इस तरह से डिक्लेयर होता है। ठीक है, अगर हम इसका बेसिक प्रोग्राम देखें, एग्जाम्पल डॉट जावा। ठीक है, बेसिक एग्जाम्पल अभी सीखते हैं कि अभी डिक्लेरेशन होता कैसे है ये वेरिएबल का, क्योंकि आप बिगिनर्स हो तो उसी लेवल में मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, किस तरह से होता है, यहाँ पे ई आएगा मीन्स। ठीक है, और यहाँ पे मैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, या प्रिंट ही लिख लेते हैं, प्रिंटलन की भी जरूरत नहीं है वैसे। ठीक है, तो अगर आपको प्रिंट अगर आपको कोई वेरिएबल नेम दे दिया जाए, आप यहाँ पे डिक्लेरेशन कर रहे हो वेरिएबल नेम नम नाम का। ठीक है, और यहाँ पे 67 उसकी वैल्यू डाल देते हो, और एक आप स्ट्रिंग नाम का एक वेरिएबल बना रहे हो जिसमें एक स्ट्रिंग वैल्यू एंटर होगी। ठीक है, कार कुछ इस तरह से होडिंग। तो ये हमारे गाइस, ये इस तरह से हमारा वेरिएबल डिक्लेरेशन होता है, और सिंपली आप इसे यहाँ पे कॉल कर सकते हो कुछ इस तरह से। मैं यहाँ पे नम कॉल कर लेता हूँ, और कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे आपको प्रिंट लाइन यूज़ कर लेना है ताकि लाइन ब्रेक हो जाए, और यहाँ पे आप कार यूज़ कर लो। मैंने यहाँ पे कॉल कर लिए वेरिएबल नेम, ठीक है, जो मैंने बनाए हैं कुछ इस तरह का। वेरिएबल इनिशियलाइजेशन होते हैं, मैं यहाँ लिखता हूँ इनिशियलाइजेशन वेरिएबल। ठीक है, वेरिएबल होते हैं। ओके, अगर आप इसे रन करोगे तो कुछ इस तरह से इसका आउटपुट आएगा। 1 मिनट, ये कुछ पहले मैं इसका क्लास नेम चेंज कर लेता हूँ, रीनेम कर लेते हैं क्लास नेम, ई बड़ा कर लेते हैं। और ठीक है, और ये जो क्लास वाली फाइल है दोबारा से हम इसे रन करके देखते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मेरा जो आउटपुट है वो आ चुका है। इस तरह से आपको वेरिएबल डिक्लेयर करने सिंपली। ठीक है, और कुछ इसके रूल्स है कि वेरिएबल्स आपको किस तरह से डिक्लेयर कर सकते हो, तो इसके रूल्स भी देख लो गाइज। जैसे हम आइडेंटिफायर, जावा आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं, जहाँ पे सारी चीजें होती हैं, यूनिक्स नेम, प्री डिफाइंड कीवर्ड्स वगैरह सब कुछ। ठीक है, डेटा जो भी आपके वेरिएबल्स नेम एज अ यूनिक यूज होते हैं, कुछ वहाँ पे रूल्स हैं कि किस तरह से आप वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर सकते हो, किस तरह से नहीं कर सकते, तो वो आपको समझना है। पहला रूल ये बताता है कि नेम में लेटर होने जरूरी है, और फर्स्टली स्टार्ट होना चाहिए डिजिट से, नंबरिंग से स्टार्ट नहीं होना चाहिए। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ नंबर से स्टार्ट है, नो वैलिड है। ठीक है, आपको लेटर से इसे स्टार्ट करना है। आप कुछ इस तरह से भी कर सकते हो, आप स्मॉल लेटर भी यूज कर सकते हो, जैसे कि मैं यहाँ पे कुछ इस तरह से भी मैं, ये हमारे वेरिएबल नेम है गाइज, ये हमारा डेटा टाइप है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, कुछ इस तरह से भी मैं डिक्लेयर कर सकता हूँ छोटा बड़ा करके। ठीक है, ये भी हमारा वैलिड है।
ये भी हमारा वैलिड है, ठीक है। और कुछ इस तरह से आप अंडरस्कोर भी दे सकते हो, ये भी वैलिड है हमारा, ठीक है। ये भी हमारा वैलिड है, इसे एक लाइन में कर लेते हैं, ठीक है। ये हमारे वैलिड हो गए। नो, ये जो वैलिड वाले हैं मैं ऊपर ले जाता हूँ। ये भी हमारा वैलिड है कि आप इसे अंडरस्कोर से स्टार्ट कर सकते हो और बीच में आप अंडरस्कोर लगा सकते हो। यहाँ भी आप बीच में अंडरस्कोर लगा सकते हो, कुछ इस तरह से। ये भी हमारा वैलिड है, ठीक है। लेकिन आप वाइट स्पेस दे रहे हो, ये नॉन वैलिड है। आप यहाँ पे फर्स्टली आप स्टार्ट नहीं कर सकते डिजिट से, तो ये भी नो वैलिड है, ठीक है। और ये हमारा वैलिड है गाइस, ठीक है। ये हमारा वैलिड है, तो देख सकते हो गाइज, ये हमारे वैलिड है और ये नो वैलिड है। नो वैलिड है, आप यहाँ पे स्पेस यूज नहीं कर सकते, ठीक है। नंबरिंग से स्टार्ट नहीं कर सकते। लोअर केस नेम शुड बी स्टार्ट विद द लोअर केस, इट कैन नॉट कंटेन वाइट स्पेस। ये चीज मैंने आपको बता दी। केस सेंसिटिव है, केस सेंसिटिव मतलब अगर आप स्ट्रिंग लिखते हो, एज लिखते हो, ठीक है, कुछ इस तरह से एक स्ट्रिंग लिखते हो और उसमें भी एक दूसरा वेरिएबल बनाते हो, अगर मैं इस तरह से बनाऊं तो इनमें बहुत डिफरेंस है, ठीक है गाइस। ये केस सेंसिटिव है, ये और ये अपनी एक अलग लोकेशन बनाएंगे स्टोरेज की। तो ये आई होप आपको समझ में आ गई होगी। तो अब हम चलते हैं वेरिएबल्स के टाइप्स पे, जल्दी जल्दी समझते हैं कि किस तरह से वर्क करता है सिंपली। और अकॉर्डिंग टू द रोड मैप, ये हमारा कुछ रोड मैप है, हमने ये चीजें पढ़ ली हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो जल्दी से जाके वो वीडियो देखें, क्योंकि मैंने आपको एक बेसिक से लेके थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बताया है। आई होप आपके लिए वो काम आया होगा। अगर आपने नहीं देखी तो जाके देखें, ठीक है। अभी मैं कमेंट्स बताने वाला हूँ और वेरिएबल्स बताने वाला हूँ। अगर आपको कमेंट्स देनी है, ठीक है, कमेंट्स किस तरह से दे सकते हैं। ये तो हमारा सिंगल लाइन कमेंट था, कुछ इस तरह से आप दे सकते हो डबल स्लैश से। अगर मैं डबल स्लैश यूज कर सकता हूँ, दिस इज सिंगल लाइन कमेंट, सिंपल, ठीक है। दिस इज सिंगल लाइन कमेंट। अगर आपको मल्टीपल लाइन कमेंट देनी है, दिस इज मल्टीपल लाइन कमेंट। अब मल्टीपल लाइन कमेंट में आप दो बार यूज कर सकते हो सिंगल लाइन कमेंट, ये मल्टीपल लाइन कमेंट होगी। एक आप कुछ इस तरह से भी दे सकते हो, जैसे मैं यहाँ पे स्लैश और स्टार यूज कर ले तो ये मल्टीपल लाइन कमेंट हो जाता है हमारा, ठीक है। ये आपको मैं सिंगल लाइन कमेंट हटा देता हूँ और ये हमारा मल्टीपल लाइन कमेंट हो जाता है। आप मल्टीपल लाइन कमेंट कितना भी दे सकते हो, ठीक है, वो आपके लिए इजी पड़ेगा। और ये फालतू तो मैं हटा देता हूँ, ठीक है। ये हमारा गाइज मल्टीपल लाइन कमेंट है, आप मल्टीपल लाइन कमेंट कुछ इस तरह से दे सकते हो, ठीक है। और भी बहुत सारे हम देखते हैं, जैसे कि गाइस हमारे तीन टाइप्स होते हैं, लोकल वेरिएबल, इंस्टेंस वेरिएबल। लोकल वेरिएबल आप समझ गए होंगे, जो हमारा विद इन फंक्शन डिक्लेयर होता है, ठीक है। ये हमारा लोकल जो विद इन फंक्शन डिक्लेयर होता है। और जो इंस्टेंस और स्टेटिक है, ये हमारा, ये ध्यान रखना, ये जो है हमारे विद इन क्लास ही डिक्लेयर होते हैं, ठीक है, विद इन क्लास डिक्लेयर होते हैं। ये आपको याद रखना है, जो लोकल है विद इन फंक्शन होगा, एज ए ग्लोबल समझ लो, जो भी कि विद इन क्लास डिक्लेयर होते हैं। अभी किस तरह से वर्क करता है, सबसे पहले आप लोकल वेरिएबल समझ लेंगे। जैसे कि आप जानते हो कि जो मेन मेथड है हमारा, एक मेथड है, ठीक है, एक मेन एंट्री है प्रोग्राम की। और 1 मिनट, सबसे पहले मैं सर रन कर लेता हूँ, ठीक है, इंट, ठीक है, ये हमारा इंट हो गया। और अब मैं रन करके देखता हूँ तो हमारा आउटपुट आ चुका है, ठीक है गाइस। सबसे पहले एक न्यू फाइल बनाते हैं गाइस और लोकल वेरिएबल समझते हैं किस तरह से बना है। हम एक फाइल बना लेते हैं ट्राई मारने के लिए, ट्राई एग्जाम्पल डॉट जावा नाम की फाइल बना लेते हैं। 1 मिनट, इसका एक एक्सटेंशन मैंने गलत कर दिया है, दैट इज जावा, ठीक है। ये हमने फाइल बना ली और इस फाइल में हम क्या करते हैं कि डॉट जावा नाम की हमने फाइल बना ली है और क्लास रखते हैं एग्जाम्पल, ठीक है। और यहाँ पे एक मेन मेथड डिक्लेयर कर देते हैं हमारा, जो कि मेन एंट्री है, जो कि एक मेन एंट्री है। और यहाँ पे हम, सबसे पहले आप जानते होंगे कि जो हमारा लोकल वेरिएबल होता है, वो ये भी एक फंक्शन है, तो लोकल वेरिएबल हमेशा
यहाँ मैं लोकल वेरिएबल लिख देता हूँ, लोकल वेरिएबल ठीक है, वो हमेशा फंक्शन के अंदर इनिशियलाइज होता है ठीक है। नम इक्वल टू 10, ये मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया और इसे मैं कॉल करता हूँ इसी मेथड के अंदर जो कि हमारा मेन मेथड है ठीक है, ये भी हमारा मेन मेथड है, तो हम इसी मेथड के अंदर कॉल करते हैं और इसे रन करके देखते हैं गाइस, देखते हैं रन होता है नहीं होता। 1 मिनट पहले मैं इसे हटा देता हूँ, ये हमारा 10 आ चुका है जैसे कि आप देख रहे हो, 10 हमारा आ चुका है क्योंकि ये इनसाइड हमने फंक्शन यूज किया है, तो ये हमारा लोकल वेरिएबल है, विद इन अ फंक्शन यूज हो रहा है, ये हमारा फंक्शन है, विद इन अ फंक्शन यूज हो रहा है। अगर आप चाहते हो कि इस वेरिएबल को बाहर कॉल कर लो तो ये कॉल नहीं हो सकता, जैसे कि मैं एक फंक्शन बनाता हूँ पब्लिक सम नाम का ठीक है, पब्लिक सम नाम का मैं फंक्शन बना लेता हूँ और मैं चाहता हूँ जो रिटर्न है वो ये वाला जो मैंने वेरिएबल बनाया वो यहाँ रिटर्न कर दे, लेकिन देखते हैं गाइस ये रिटर्न होता है नहीं होता, मैं इसे रिटर्न करता हूँ तो देखते हैं क्या रिटर्न होता है नहीं होता, तो ये आपको एरर बता रहा है कि कैन नॉट फाइंड सिंबल। तो आप देख सकते हो कि जो हमारा लोकल वेरिएबल है इसमें कंडीशन आई है कि आप इसे विद इन फंक्शन यूज कर सकते हो ठीक है, इसकी डेफिनेशन में भी लिखा हुआ है कि वेरिएबल डेटा डिक्लेयर इन अ मेथड एंड ब्लॉक ऑफ कोड, मीन्स आप इसे फंक्शन के अंदर ही यूज कर सकते हो एंड इसे एक्सेस कर सकते हो उसी फंक्शन के अंदर जिस फंक्शन फंक्शन के अंदर आपने उसे यूज किया ठीक है, इसकी कंडीशन है उसे समझते हैं। सम करेक्टरिस्टिक्स है कि लोकल वेरिएबल हमेशा मेथड के अंदर ही डिक्लेयर होता है जिसे हम फंक्शन बता रहे हैं, और ब्लॉक ऑफ कोड जिस कोड में आप लिख रहे हो या कंस्ट्रक्टर बोल लो ठीक है, दे आर ओनली एक्सेसिबल विद इन अ फंक्शन, ये हमने पढ़ लिया और देख भी लिया ठीक है, क्योंकि वो बाहर दूसरे फंक्शन में एक्सेस नहीं हो रहा वेरिएबल, और जो लोकल वेरिएबल है वो इनिशियलाइज मस्ट बी इनिशियलाइज होना चाहिए। अगर आप सोच रहे हो ठीक है इसका क्या मतलब है कि लोकल वेरिएबल मस्ट बी इनिशियलाइज हैव नो एनी डिफॉल्ट वैल्यू बिफोर दे कैन बी यूज्ड, इफ लोकल वेरिएबल इज नॉट इनिशियलाइज दिस कंपाइलर एरर आएगा। तो हम देखते हैं कि अगर हम यहाँ पे इसे इनिशियलाइज नहीं करते, सिंपली से डिक्लेयर कर देते कुछ इस तरह से, ना हम इसकी कोई वैल्यू देते, तो देखते क्या एरर आता है, क्या इसकी कोई बाई डिफॉल्ट वैल्यू है। तो आप देख सकते हो गाइज यहाँ पे कैन नॉट फाइंड सिंबल अब भी लिखा रहा है, पहले मैं इसे हटा देता हूँ, अब इसे देखता हूँ लोकल वेरिएबल को रन करा के, तो आप देख सकते हो गाइज यहाँ आ रहा है वेरिएबल नम माइट नॉट हैव बीन इनिशियलाइज्ड। तो ये क्या कह रहा है कि ये मस्ट बी इनिशियलाइज होना चाहिए, सबसे मेन बात है कि आपको यहाँ वैल्यू देनी है, अगर आप लोकल वेरिएबल यूज कर रहे हो तो आपको यहाँ वैल्यू देनी है, आप इसे ऐसे खाली नहीं छोड़ सकते ठीक है, आपको ये वैल्यू जरूर देनी है। तो लोकल वेरिएबल की एक और ये कंडीशन है, और लोकल वेरिएबल हैव अ लिमिटेड स्कोप विच मीन्स ओनली एक्सेसिबल विद इन अ ब्लॉक, ये आपको पता ही है, ये हमने देख भी लिया है, क्योंकि आप जानते हो कि जो लोकल वेरिएबल है ये हमारा फंक्शन है, आप देख रहे हो इतना हमारा फंक्शन है, और यहाँ हमारा जो क्लास है ये जो हमारा स्कोप है ये बाहर का क्लास है, और ये जो यूज हो रहा है ये हमारा फंक्शन है ठीक है।